बॉलीवुड के एक्शन हीरो कहे जाने वाले टाइगर श्रॉफ ने अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है, जिनमें उनके कई सारे लुक्स अलग अलग अंदाज में हमें देखने को मिले हैं और उनके सभी लुक्स जोरों शोरों से वायरल भी हो रहे हैं। दोस्तों 23 मई 2014 में आई फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के साथ कृति सेनन हमें देखने को मिली थी, लेकिन इस बार फिल्म में तारा सुतारिया टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन करते नजर आने वाली है। दोस्तों अगर बात करें अपोजिट की तो हीरोपंती के अंदर जहां हमें प्रकाश राज देखने को मिले थे, वहीं इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करते नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और आप सभी को पता होगा इनकी एक्टिंग किसी के पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि कोई सा भी रोल इनको दे दो इनके लिए वह सिर्फ एक बाएं हाथ के खेल के समान है। तो मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती से ही टाइगर श्रॉफ ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी, जिनके बाद से ही उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दी है। दोस्तों जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिल्म हीरोपंती एक तेलुगु फिल्म प्रोगु का हिंदी रीमेक थी, जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ एक बेहतरीन एक्ट्रेस कृति सेनन ने भी अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शब्बीर खान ने और प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने। उस समय इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए फिल्म को सुपरहिट फिल्मों की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें शानदार लव और एक्शन सीन हमें देखने को मिले थे। इसी के चलते इस फिल्म का पार्ट 2 भी 2022 में बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने, वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने इससे पहले भी कई सारी सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। दोस्तों इससे पहले इस फिल्म को रिलीज किया जाना था 16 जुलाई 2021 को, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है बीमारियों के चलते सभी फिल्मों को थोड़ा आगे की ओर पोस्टपोन किया गया है और अब फाइनली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं उस टाइम फिल्म को एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारी बड़ी फिल्में इस बार ईद के आसपास रिलीज होने वाली है, जिसमें पृथ्वीराज, RRR, राधेश्याम जैसी बड़े बजट वाली फिल्में भी शामिल है। दोस्तों अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की तो 2022 में हीरोपंती 2 के अलावा एक और बड़ी फिल्म गणपत भी रिलीज होने वाली है, जिसमें टाइगर के साथ कृति सेनन स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाली है। साथ ही बागी 4 और रेम्बो जैसी फिल्में भी 2022 के एंड तक बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी हैं टाइगर श्रॉफ के एक्शन के फैंस तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं फिल्मों से जुड़ी एक नई अपडेट के साथ में।